आइए। कौन से न्यूज पर आप देोगे ना आप सब सब क्या बजे देोगे भाई फोन भी कर रहा देखो डेंगू के केस बढ़ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं हॉस्पिटल में बेड की क्या व्यवस्था है देखिए ये तो आपका कहना सही है कि पिछले कुछ महीनों में डेंगू के केसेस काफ़ी आए हैं इससे मैं डिनाई नहीं करूंगी लेकिन जहां तक आप तैयारियों की बात है मैं अपने ही संस्थान का आपको बता सकती हूँ बाकी संस्थान में क्या है ये तो वहीं के लोग बता पाएंगे हमारे संस्थान की तैयारियों में कोई कमी नहीं है बेड्स की व्यवस्था की जहाँ तक बात है बेड्स हमारे वार्ड में तो अभी कोई कमी नहीं है बेड्स की लेकिन हाँ ज़रूर इमरजेंसी में कभी कभी ऐसा होता है जब पेशेंट ज़्यादा एक साथ अगर आ जाते हैं तो जब तक हम उन्हें शिफ्ट करते हैं तो इमरजेंसी में थोड़ा रश ज़रूर हो जाता है फिर हम एक एक करके जिनके जो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हैं करके उनको ऊपर वार्ड में शिफ्ट करते रहते हैं तब फिर ऊपर की हमारी व्यवस्था ठीक रहती है। मैम कितने केस अभी तक सामने आ चुके हैं अगर मैं आपको रफली बताऊं मैं एग्जैक्ट डेटा तो ऐसा मुझे अभी इस टाइम नहीं है लेकिन हमारे यहाँ करीब पिछले 3-4 महीने का जब से थोड़े बहुत केसेस आने शुरू हुए थे जुलाई ऑनवर्ड शुरू हुए थे तो अभी अक्टूबर में काफ़ी केसेस आए हैं सितंबर से बढ़ने शुरू हो गए थे और अक्टूबर में तो काफ़ी आए हैं तो 225 के बीच में कहीं पेशेंट हमारे एडमिट रहे होंगे जो ठीक ठाक होकर डिस्चार्ज होकर गए हैं। अभी बच्चे भी आपके यहाँ पर भर्ती हैं? हमारे यहाँ ये तो बच्चों का ही अस्पताल है तो हमारे यहाँ बच्चे ही भर्ती रहते हैं एडल्ट कभी कभी कोई स्टाफ के जो हमारे होते हैं वही भर्ती रहते हैं अदरवाइज हमारे एडल्ट ऐसे और बाहर के मरीज नहीं भर्ती। अभी कितने एक्टिव अभी एक्टिव केसेस मेरे ख्याल से आज की डेट में जो अगर मैं कहूँ कल 9 डिस्चार्ज हमने किए थे तो अभी 11 और 13 के बीच में मरीज भर्ती हैं। मैम कोई मौत वगैरह नहीं अभी तक की तो उसमें कोई मेरी जानकारी में नहीं है और अगर कुछ होगी तो ये लोग मुझे रिपोर्ट से इन्फॉर्म करते हैं। और भी नहीं
कोई नहीं।